सरकारी स्कूल में छात्रा से दुराचार मामले में ग्रामीणों के विरोध के बाद स्कूल स्टाफ को अंदर जाने नहीं दिया गया। कार्यकारी जिला उच्च शिक्षा उपनिदेशक कमलेश कुमारी के निर्देश के बाद दूसरे स्कूल से कुछ अध्यापक बुलाए और पढ़ाई शुरू की गई। थाना प्रभारी अंब गौरव भारद्वाज ने भी करीब एक घंटे तक बच्चों की क्लास ली। आज लोगों ने इस घटना में वहाँ पे प्रोटेस्ट किया है। लोगों की मुख्यतः डिमांड ये है कि पूरे स्कूल स्टाफ को जो यहाँ से ट्रांसफर किया जाए, जिसमें संबंधित विभाग जो आगे की कार्रवाई करेगा। पुलिस ने अपनी लैंड ऑर्डर को मेंटेन किया वहाँ पे और पुलिस इस केस में निष्पक्ष जाँच कर रही है और हमारी टीम ऑलरेडी ही वहाँ पे इस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए रहा है। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर यूएई के दौरे पर दुबई में हैं। इस दौरे का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश को बागवानी, पर्यटन, फार्मास्यूटिकल्स, ऊर्जा, खाद्य प्रसंस्करण, लॉजिस्टिक्स, शिक्षा तथा कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में एक आकर्षक निवेश गंतव्य के तौर पर प्रस्तुत करना है। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर द्वारा फिटर का अंतिम परिणाम घोषित नहीं करने पर अभ्यर्थियों ने आयोग कार्यालय में आकर रोष व्यक्त किया। साथ ही चेताया है कि अगर 7 दिनों के भीतर परिणाम नहीं निकाला तो प्रदेश भर से बेरोजगार अभ्यर्थी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ जाएंगे। सर, मैं रामेश्वर डिस्ट्रिक्ट शिमला से बिलोंग करता हूं और हमने 640 पोस्ट कोड जूनियर टेक्नीशियन फिटर के अंडर हमने एग्ज़ाम दिया 19 अगस्त में दिया सर। तो काफ़ी टाइम हो गया सर, लगभग 1 साल होने को आ रहा है। इन्होंने फाइनल रिजल्ट नहीं दिया जबकि जनवरी में हमारी इवोल्यूशन शेड्यूल सब कुछ क्लियर हो गया है, इसके बावजूद भी हमारा रिजल्ट नहीं दिया जा रहा। अगला स्टेप क्या रहेगा आगे में सर? अभी तो हम सिर्फ एक जनरल रिक्वेस्ट करने आए, फिर अगली बार और देख लेंगे, एक बार रिक्वेस्ट करके और देखेंगे। फिर भी नहीं आता तो सर हमारे को मजबूरन कोई ना कोई स्टेप लेना पड़ेगा। अब हड़ताल, धरना देना, जो कुछ भी रहेगा हम वो करने के लिए तैयार है। बिलासपुर जिला के भगेड़ में एक सड़क हादसे में महिला की मौत हो गई। हादसा स्कूटी सवार के ओवरटेक करते समय पेश आया। मृतक महिला की पहचान अनीता देवी, पत्नी अभिषेक, गांव लदरोर घुमारवी के रूप में हुई है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। राफ्टिंग प्वाइंट में सोमवार को भी पंजाब, हरियाणा व दिल्ली से आए पर्यटकों ने खुलेआम खूब जाम छलकाए। राफ्टिंग प्वाइंट पर व्यास नदी के किनारे शराब की खाली बोतलें देखी जा सकती हैं। इनमें कई टूटी हुई भी हैं। टूटा हुआ कांच राफ्ट को तो नुकसान पहुंचा रहा है, साथ ही पर्यटकों को भी इनसे चोट लग सकती है। बवासीर एक ऐसा रोग जो न कहा जाए न सहा जाए, अब न कहीं न सही सिर्फ इलाज करें। P6 कैप्सूल और ट्यूब, P6 बवासीर का आयुर्वेदिक डॉक्टर, P6 यानी बिना ऑपरेशन के बवासीर का इलाज।